अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई दिस। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा, इसमें एक छोटा सा फर्क होता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो है वो टर्निंग पॉइंट और इसके जो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इन सब पे जो मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमा जो है वो जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उन पे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम। अब यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले इसके हम टर्निंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x, फिर cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, प्लस साइन x का डिफरेंशियल cos x। एफ डैश एक्स ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x। टर्निंग पॉइंट के लिए, फॉर टर्निंग पॉइंट या फिर इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, एफ डैश एक्स हमारा 0 होता है तो इसका मतलब हम इसको 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा cos x, बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा 1 - 2 sin x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी cos x ये 0 होगा एंड 1 - 2 sin x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो हमारा जो इंटरवल दे रखा है वो 0 से π दे रखा है, तो अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन दे रखा है। अब यहाँ से यहाँ तक में कॉस की कौन कौन सी वैल्यू के लिए 0 आता है, वो है इस पॉइंट के लिए। इसका मतलब यहाँ पे कॉस एक्स 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू π/2 होगी। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, 1/2 ये हमारा क्या है, साइन बेसिकली ये होता है π/3, और यहाँ पे भी हमारा 1/2 हो सकता है, यहाँ पे भी 1/2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइन π/3 और साइन π - π/3 इन दोनों पर जो वैल्यू आएगी वो 1/2 ही आएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी π/3 और ये हो जाएगी 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गया 2, 2π/3। तो हमें जो पॉइंट मिल गए वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा हो गया 0π/3, दूसरा 2π/3, फिर π/2, उसके बाद में पाई, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पॉइंट्स मिल गए हमें। अब यहाँ पे एक हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, वो ये है कि साइन π/6 ये होता है 1/2, तो ये भी π/6 आएगा, ये भी π/6 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5π/6, ये आ जाएगा π/6, तो यहाँ पे ये हो गया π/6, ये हो गया 5π/6। ये छोटी सी मिस्टेक है। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 दे रखी है, तो इन पांचों वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, पांचों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो मैक्सिमम आएगी पांचों पॉइंट्स पे वो हमारी होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं एफ जीरो से। तो एफ जीरो क्या आएगा हमारा, देखो फंक्शन ये दे रखा है, एफ जीरो आ जाएगा कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन 0। कॉस स्क्वायर 0 मतलब कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, साइन 0 0 होता है, 1 + 0 = 1। एफ π/6, π/6 का मतलब कॉस स्क्वायर π/6 साइन π/6, कॉस स्क्वायर π/6 यानी कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 प्लस इसको लिख सकते हैं 2/4, ये हो जाएगा 3 + 2 = 5/4। तो एफ π/6 आ गया 5/4, एफ ये क्या है हमारा 5π/6, 5π/6 क्या आएगा, देखो यहाँ पे सेकेंड मतलब स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव का होता है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो बेसिकली ये भी हमारा 5π/4 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एफ 5π/6
कॉस 5π/6 जो है वो माइनस अंडर रूट 3/2 आएगा, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन 5π/6 1/2 ही रहता है, इसका मतलब हमारा आंसर यही आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं f π/2 पे, तो π/2 पे क्या आएगा, cos² π/2 मतलब 0 प्लस साइन π/2 मतलब 1, तो ये आ जाएगा 1। अब आते हैं पाई पे, कॉस पाई -1 होता है लेकिन -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस साइन पाई कितना होता है 0, तो यह आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हमें 5 वैल्यू मिली, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 5 by 4, इसका मतलब अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 5/4। अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये क्या आएगी, 1। तो इसका मतलब यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे।